नमस्कार, मैं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत के वार्षिक थोक मूल्य आधारित मुद्रा स्फीति सितंबर में घटकर 10.70% हो गई है, जबकि अगस्त 2022 में 12.41% और पिछले साल सितंबर में 11.8% दर्ज की गई थी। शुक्रवार को सरकारी आंकड़ों से पता चला कि सितंबर का WPI 11.50% के रॉयटर्स के पूर्वानुमान से कम है। बिहार में लगातार CBI, ED, इनकम टैक्स की ओर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। पटना में एक बार फिर से इनकम टैक्स ने बिहार के चर्चित बिल्डर और कारोबारी गब्बू सिंह के घर पर छापा मारा है। एक साथ कई ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। गब्बू सिंह बिहार के कई सत्ताधारी दल के नेताओं के बेहद करीबी भी बताए जाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक परीक्षण की मांग को अदालत के एडवोकेट कमिश्नर ने अपने फैसले में खारिज करते हुए कहा कि इससे शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है। लोगों की आस्था को देखते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। गिरीश गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अप्रैल 2022 में RTI आवेदन के जरिए वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री को मिले उपहारों को सार्वजनिक करने की सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय से मांगी थी। जानकारी मिली कि ई नीलामी प्रक्रिया के तहत 3 वर्षों के दौरान 21 करोड़ से अधिक की राशि जमा हुई है। भारतीय रेलवे की ओर से दीपावली बाद देशवासियों को एक और हाई स्पीड ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। देश को 10 नवंबर को 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाएगी, जो स्पीड पकड़ने के मामले में जापान की बुलेट ट्रेन को भी टक्कर दे जाती है। यह वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूरू को कनेक्ट करेगी। बता दें कि अब तक देश में 4 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। राजद के कुजरी विधायक अनिल साहनी का विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे राजद को बड़ा झटका लगा है। पूर्व राज्यसभा सदस्य और RJD विधायक अनिल साहनी को अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया था और 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। भारत के निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार गोला बारूद से जुड़े मामले में गुरुवार को जम्मू, कठुआ और सांबा में छापेमारी के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने यह बताया है कि इन जिलों के विभिन्न हिस्सों में एक ही समय पर छापेमारी की जा रही है। एक बड़े अध्ययन से इस पर तथ्य सामने आए हैं कि शोधकर्ताओं के अनुसार महिलाएं शब्दों को खोजने और याद रखने में पुरुषों की तुलना में बेहतर हैं और महिला लाभ समय और जीवन काल के अनुरूप है, लेकिन यह अपेक्षाकृत छोटा भी है। नॉर्वे के बर्गन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मार्को हिरस्टीन और उनके सहयोगियों ने एक तथाकथित मेटा विश्लेषण किया है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया का प्रधानमंत्री की मां पर कथित तौर पर उपहास उड़ाने का एक वीडियो सामने आने के बाद कहा है कि राज्य के लोग इसके लिए पार्टी को सबक सिखाएंगे, आपको प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहने की कीमत चुकानी होगी। हिजाब पर जारी विवाद को लेकर एक बार फिर से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या हिजाब मुसलमानों के पिछड़ेपन को दर्शाता है और पूछा है कि क्या मुस्लिम महिलाएं देश के विकास में योगदान नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जिसे बिकनी पहननी है वो पहने, आप क्यों चाहते हो कि मेरी बेटी हिजाब उतारे और मैं दाढ़ी कटवा लूं। स्पाइस जेट के विमान की 2 दिन पहले इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। गोवा से उड़े विमान की हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। इस मामले में अब DGCA ने जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइस जेट के SG-3735 विमान के पायलट ने विमान से धुआं निकलते देखा, जिसके बाद तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचित किया गया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए चुनी गई अपनी टीम से खुश नहीं है। उन्होंने इस स्क्वाड में कई खामियां बताई हैं, खासकर टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के लगातार फ्लॉप प्रदर्शन के बावजूद चयन से वह निराश हुए। सलमान बट ने इसे लेकर चयनकर्ताओं पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चयनकर्ता बेहोश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि भारत में शादी कोई आकस्मिक घटना नहीं है। हम अभी आज शादी और कल तलाक के पश्चिमी मानकों तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए एक विवाह में जब पत्नी चाहती है कि शादी बरकरार रहे तो ऐसे में पति की याचिका पर विवाह को भंग करने के लिए कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यूपी में यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों में गुजरेगा। एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज पर समाप्त होगा।
मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए तमाम कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी अब अपने G23 के साथ सदस्य शशि थरूर को नजरअंदाज करते हुए खड़गे की तारीफ की है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को सेफ पेयर ऑफ हैंड्स यानी ऐसे हाथों की जरूरत है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की जानकारी मिलने से हड़कंप मच गया। देर रात मॉस्को से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विमान की लैंडिंग से लेकर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन सभी एजेंसियां रात को सतर्क हो गई। हालांकि यह खबर अफवाह निकली। ब्रिटेन की क्वीन कंसोर्ट कैमिला की अगले वर्ष मई में रानी के तौर पर ताजपोशी होनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हो सकता है कि ताजपोशी के दौरान कैमिला कोहिनूर हीरा लगा ताज ना पहने। बकिंघम महल के अधिकारी रानी की ताजपोशी की योजना की फिर से समीक्षा कर रहे हैं। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाई गई आपत्ति को वजह बताया गया है। आलिया भट्ट ने शादी के 2.5 महीने बाद ही प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी थी। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल भी होना पड़ा। लोगों ने कहा कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बीच शाहिन ने कहा कि मैं आलिया के लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि यह उसकी अपनी जर्नी है। उसने जो कुछ भी इंटरनल रूप से निपटाया है वो पूरी तरह से उसकी जर्नी है। धनाश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर करवा चौथ करते हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वो अपने पति युजवेंद्र चहल के साथ वर्चुअल करवा चौथ सेलिब्रेट करती दिख रही हैं। दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट होते दिख रहे हैं। कोलकाता के बहु बाजार इलाके में शुक्रवार सुबह पूर्व पश्चिम मेट्रो सुरंग में काम करने के दौरान पानी का रिसाव होने से 10 घरों में दरारें आ गई हैं। कोलकाता मेट्रो रेल निगम के महाप्रबंधक के नंदी ने बताया कि मदन दत्ता लेन स्थित घरों में यह समस्या देखी गई। उन्होंने बताया कि यहां के 140 निवासियों को अब तक पास के होटलों में शिफ्ट किया जा चुका है। देश के सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक इस वक्त पिछले 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 800 मिलियन की आबादी को सब्सिडी पर अनाज देने वाली सरकारी मशीनरी पर अब आने वाले दिनों में काफी दबाव बनने वाला है। किसानों ने अभी तक गेहूं की बुआई नहीं की है और अगली फसल 15 मार्च के बाद ही बाजारों में आने की उम्मीद है। हरियाणा की सुनारिया जेल में कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की 40 दिन की पैरोल अर्जी स्वीकार कर ली गई है। यह कदम आदमपुर विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले उठाया गया है। आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। RRC रेलवे वन आंसर की 2022 के साथ साथ उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट और 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक 5 चरणों में आयोजित CBT के क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिए गए। उम्मीदवार अपना अनौपचारिक आंसर की और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्स शीट को अपने संबंधित जोन के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और संभल से सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए आवाज उठाई है। गुरुवार को संभल के मियां सराय स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इस बात को कहा है। डाक विभाग अपने खाता धारकों को एक बड़ी सुविधा देने जा रहा है। पासबुक को लेकर डाकघरों तक उनके अनावश्यक दौड़ पर विराम लगाने जा रहा है। विभाग ने अपने सभी बचत खाता धारकों को ई पासबुक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कुछ माह में जिस तरह के संबंध दुनिया के सामने आए हैं उसमें कुछ खिचड़ी पकती दिखाई दे रही थी। माना जा रहा था कि दोनों एक बार फिर से काफी करीब आ गए हैं। US के F-16 पैकेज को लेकर इस बात की तस्दीक तक दी जा रही थी, लेकिन अब अमेरिका के रणनीति दस्तावेजों ने पाकिस्तान की हवा निकाल कर रख दी है। झारखंड के लातेहार जिला के सदर प्रखंड के क्यामा गांव में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में गुरुवार को चारा भगत के बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार क्यामा गांव के मध्य विद्यालय की रसोई अमृता देवी अपने पति से मिलने के लिए लातेहार जेल गेट गई, जिसके कारण वह विद्यालय नहीं जा सकी। इस कारण विद्यालय में मध्याह्न भोजन दूसरी रसोईया के द्वारा बनाया गया था। मीडिया कार्यक्रम मीट द मीडिया प्रोग्राम के दौरान आयाज मेमन से बातचीत के दौरान भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने रोजर विनी के बारे में कहा कि रोजर मेरे साथ साल 1983 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। मुझे काफ़ी खुशी है कि वो BCCI अध्यक्ष बनने वाले हैं। वह एक वर्ल्ड कप विनर हैं। SYL का विवाद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बैठक बेनतीजा रही। बैठक के बाद हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बैठक में सहमति नहीं बन पाई। भगवंत मान ने कहा कि बैठक में हरियाणा की ओर से कहा गया कि SYL नहर बने तो हमने कहा पंजाब के पास अतिरिक्त पानी ही नहीं है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविशंकर, जितेंद्र ठाकुर, राकेश शर्मा, आयुष, नुन्नू कुमार, दीपक कुमार, के सिन्हा और प्रिया राय। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि हिजाब को लेकर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए बयान से आप सहमत हैं या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।